अस्सलाम वालेकुम मॉन्ट 1 क्लास, उम्मीद करते आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने उर्दू का काम शुरू करना है। सफ़ा नंबर 44 खोलें। आज का हमारा उन्वान है हर्फ दाल। दाल की कैसी शक्ल होती है? ये गोल होता है, ऊपर से इसका सिरा छोटा होता है और नीचे से बड़ा होता है। हमारे पास आगे है मतवक्का हासिलाते तालुम। हमें दो सलाहियतें दी गई हैं, एक सुनने की और एक बोलने की। येलो इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के नाम बता सकें, तस्वीर को पहचान कर इसके बारे में बता सकें, उर्दू हरूफ तहजी की पहचान की इब्तदा कर सकें। बच्चे इस काबिल हों कि वो हर्फ डाल की पहचान कर सकें और हर्फ डाल की आवाज़ वाली अशिया के नाम उक्स कर सकें या बता सकें, और हर्फ डाल लिख सकें। अगला हमारे पास है नोट बराए वालिदैन। मोहतरम वालिदैन, दिए गए QR कोड में मौजूद वीडियो देखें और बच्चे को भी दिखाएं, और ज़ेल में दिए गए सवालात सरगर्मियां मिलकर करें। आपको QR कोड दिया गया है, इसको आपने स्कैन करके अपने बच्चों को वर्क करने में हेल्प करनी है, मदद करनी है उनकी, और जो सरगर्मियां दी गई हैं उनको मिलकर करें। अगला हमारे पास है ज़ेल में दी गई तस्वीर देखें और बताएं कि ये कौन से रंग की है और इसे घर में कौन कौन और कैसे इस्तेमाल करता है। वीडियो बनाकर मुअल्लिमा को भेजें। अगर आपने वीडियो बनाई है तो भेजी वाले फेस में कलर कर दें, और अगर नहीं बनाई तो नहीं भेजी वाली फेस में कलर कर दें, रंग भर दें। उसके बाद है वालिदैन की मदद से दिए गए खानों में डाल से शुरू होने वाली अशिया की तस्वीर चस्पा करें, जिनका जिक्र वीडियो लेक्चर में हुआ है। हमें ये तीन खाने दिए गए हैं, इसमें हमने हर्फ डाल से बनने वाली अशिया की तस्वीरें चस्पा करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बना भी सकते हैं। अब देखें, हमने हर्फ डाल से शुरू होने वाली अशिया की तस्वीर चस्पा करनी है या बनानी है। मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं तो मैं इसमें बना रही हूँ, और आप भी बना सकते हैं। पहले हमारे पास पहले बॉक्स में मैं किसकी तस्वीर बना रही हूँ? डंडा, डालडा, डंडा। उसके बाद है अगले खाने में हम किसकी तस्वीर बनाएंगे? डालडा, डब्बा। डाल की आवाज़ क्या होती है? डा। डाल की आवाज़ क्या होती है? डा। अगले खाने में हमने किसकी तस्वीर बनानी है? डालडा, ड्रम। डालडा, ड्रम। डालडा, ड्रम। डालडा, डंडा। डालडा, डब्बा। डालडा, ड्रम। अगला हमारे पास है मतवक्का हासिलाते तालुम। इसमें भी हमें दो सलाहियात दी गई हैं, एक सुनने की, बोलने की और लिखने की। तीन हमारे पास सलाहियात हैं, बोलना, सुनना और लिखना। इसके बाद इसका येलो है नुक्ते मिलाकर हरूफ तहजी मुकम्मल कर सकें, उर्दू हरूफ तहजी की पहचान की इब्तदा कर सकें।
बच्चे इस काबिल हों कि वो नुक्तों को मिलाकर हरूफ़ तहाजी लिखें और उनकी आवाज़ हरूफ की आवाज़ की इब्तदा कर सकें और हर्फ डाल की पहचान कर सकें। अगला हमारे पास है नुक्ते मिलाकर डाल लिखें। अब हम डाल, हमारे पास ये नुक्ते लगे हुए हैं, हमने इनको मिलाना है और हर्फ डाल की लिखाई करनी है। देखिए मैं फर्स्ट से सब लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको गोल कर देना है। इसकी जो ऊपर वाला सिरा होता है वो छोटा होता है और नीचे वाला सिरा जो होता है वो बड़ा होता है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, तोएँ, छोटी सी तोएँ आएगी। तो इस ये क्या बनेगा, हर्फ डाल। डाल की आवाज़ क्या होती है, डा, डाल डा। अगला मैं दोबारा अगेन लिख रही हूँ। इसी तरह से हमने नुक्तों को मिलाना है और इसके ऊपर छोटी सी तोएँ बना देंगे तो हमारे पास हर्फ डाल बनेगी। डाल की आवाज़ होती है डा, डाल डा डंडा, डाल डा डबरोटी, डाल डा ढोल, डाल डा ड्राम, डालडा डब्बा। इसी तरह से आपने इनके ऊपर, नुक्तों के ऊपर पेंसिल से नुक्ते मिलाने हैं और इसके ऊपर छोटी सी तोएं बना देनी। इसका ऊपर वाला सिरा जो होता है वो छोटा होता है और नीचे वाला सिरा थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके ऊपर हम छोटी सी तोएं बना देंगे तो हर्फ डाल बनेगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपने हर्फ डाल की लिखाई करनी है और उसे, उसकी पहचान करनी है और उससे बनने वाली अशिया याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।